हाय फ्रेंड्स, जय स्वामी नारायण। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। चलिए, आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज एक्टिविटी कराने वाली हूँ मैं आपको। एक्टिविटी करनी है ना, आप सबको पसंद है ना एक्टिविटी करनी? हाँ, मुझे पता है आप सबको एक्टिविटी बहुत पसंद होती है। तो देखिए, आज मैं आपको कलर वाली एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। आप सब ने कलर तो सीख ही चुके हो। आप सब, हमने कौन कौन से कलर सीखे हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पता है ना? आप सब ने मुझे बहुत अच्छे कलर करके वर्कशीट भेजी थी, तो मैंने आपको स्टार, स्माइली, आइसक्रीम सब कुछ दिया था ना। तो अभी तो हमें आगे भी बहुत सारे कलर सीखने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो आगे सीखे हुए कलर है वो हम भूल जाएंगे, है ना? तो हमें कलर्स तो याद ही रखने हैं। मुझे पता है आप सबको कलर्स तो याद ही है। तो देखिए, मैं उस हिसाब से ही आपको एक एक्टिविटी करवाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं, देखा आप सबने फ्लावर्स? देखिए, ओके, देखिए, ये रिच कलर, रेड कलर का फ्लावर है, ये येलो, फिर ये अभी आपको बोलना है, मैं नहीं बोलने वाली हूँ, वेरी गुड, ग्रीन कलर, और ये ब्लू कलर। ये कलर्स तो हम सीख ही गए हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन। जूनियर सीनियर वालों को तो, जूनियर केजी सीनियर केजी में तो मैंने ईजी वाले वर्ड्स भी सिखाए थे, उसमें भी बोला था इसको क्या बोलते हैं, पीजी पेन। और नर्सरी वाले बच्चों को भी अभी तो पता होगा, मम्मी जब कपड़े सुखाती है तो ऐसे ही पैड लगाती है ताकि हमारे कपड़े गिर न जाए। तो अभी आपको भी पता चल गया ना, इसको बोलते हैं पैड। अभी मैंने कलर्स वाली पैड ली है, तो मैं क्या करूँगी कि जो कलर का फ्लावर्स होगा और जो कलर की पैड होगी उसको उसके साथ मैच करूँगी। देखिए, अभी मैंने ये रेड कलर की पैड ली, तो मैं क्या करूँगी रेड कलर के फ्लावर के साथ, देखिए, वाओ, देखिए, वाओ, देखिए, मैंने क्या किया, क्लिप ली और फ्लावर्स के साथ इसको, क्लिप के कलर को फ्लावर के साथ मैच किया और मैंने क्लिप भी लगाई ना। नाउ देखिए, अभी ये येलो कलर का फ्लावर है, अभी आप लोग मुझे बताइए कि येलो क्लिप कहाँ पे है। वेरी गुड, ये रही येलो क्लिप। तो फिर ये क्लिप मैं ऐसे येलो लगाऊंगी, देखिए हो गया येलो कलर। येलो कलर की क्लिप को हमने येलो कलर के फ्लावर के साथ मैच किया। ओके फ्रेंड्स, नाउ ग्रीन कलर, तो ये रही मेरी ग्रीन कलर की क्लिप। तो आपके घर में जो जो कलर की क्लिप हो वो कलर की क्लिप ले सकते हो। ओके, नाउ दिस इज अ ब्लू कलर, तो मैं ब्लू कलर की क्लिप लूंगी और ऐसे देखिए, वाओ, देखिए ये ब्लू कलर को हमने ब्लू कलर के फ्लावर्स के साथ मैच किया ना फ्रेंड। तो देखिए, मैंने तो ये, मेरे पास ऐसे कलर के फ्लावर्स थे, कलर्स वाले, तो मैंने फ्लावर्स लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग फ्लावर्स ही लो, आपके घर में ये कलर की जो भी चीज हो उसमें आप ये कलर की क्लिप लगा सकते हो। और मैंने तो ये कलर का आपको बोला है, अगर आपके घर में कोई ऐसे आपके कलर्स वाले कपड़े भी होंगे, जैसे टी शर्ट, शॉर्ट्स, पैंट, है ना, या फिर मम्मी का भी कुछ, पापा का, ऐसा कुछ भी कलर वाला हो उसमें आप ये कलर वाली क्लिप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, पता है, आप कलर्स भी अच्छे से रिकॉग्नाइज करता, आप सीख तो गए हैं लेकिन भूलना भी तो नहीं है, ये बात भी तो याद रखनी है। तो इससे कलर्स रिकॉग्नाइज होगा, हमारा कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम कलर आप जल्दी से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, है ना। अगर कहीं पे भी आपने ये कलर देखा तो आप तुरंत ही पहचान जाओगे कि ये कलर है। तो इससे कलर्स मैचिंग एक्टिविटी भी हमारी हो गई, कलर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कलर्स आप जल्दी से रिकॉग्नाइज भी हो गया और कलर आइडेंटिफाई भी हो गया कि हाँ ये कलर की क्लिप है, तो मैं इसको ये कलर के फ्लावर्स में ही लगाऊंगा। या तो आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट हो उसमें भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सर्कल्स वाली या रिंग वाली कोई ऐसा टॉयज है, या फिर ऐसे टावर आप बनाने आते हैं, जैसे कलर्सफुल टावर आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। तो इसके में आपको क्या करना है, ऐसी क्लिप लेनी कलर वाली भी ज़रूरी नहीं है, आप अगर ऐसे कुछ बॉल्स हो तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमारा आई कॉन्टेक्ट
और ये हमारी फिंगर्स की स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी। तो देखिए एक्टिविटी के साथ हमें हमारी कितनी सारी स्किल्स भी डेवलप हो गई ना। ओके, तो अभी आप लोग ये एक्टिविटी अच्छे से करना और मुझे फोटोज सेंड करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।